अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पेरी पेरी चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। पेरी पेरी चिकन बनाने के लिए मैंने लिया चिकन 1 किलो, और इसमें जो मसाले जाएंगे 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर मैदा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट। अब इन सारे मसालों को एक बॉल में डालकर मिक्स कर लेंगे। विनेगर, कुकिंग ऑयल, लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। चिकन को मसाला लगा लेंगे हाथों से अच्छी तरह। इसके ऊपर काटा ऑलरेडी मैंने लगाए हुए हैं। इसको लगा के आप ओवरनाइट के लिए रख दें या 4-5 घंटे के लिए रख दें तो मसाला इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा। इसको कवर करके हम फ्रिज में रखते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1-1.5 घंटा बाद भी बना सकते हैं। कोई भी ग्रिल पैन ले लें, इसमें हम ऑयल लगा लेंगे ब्रश के साथ। इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे पैन को। हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसको चिकन रख लेंगे। अब आंच हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि स्टीम में आकर हमारा चिकन अच्छी तरह पक जाए। अब 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और इसको दोबारा कवर कर देंगे। अब फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब जो मसाला इधर बचा हुआ है उसमें से हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे। और इसको फिर दोबारा कवर कर देंगे। अब इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा सा मसाला लगा देंगे। इससे चिकन हमारा अच्छी तरह गल भी जाएगा और दूसरा के ऊपर मसाले की अच्छी सी कोटिंग भी हो जाएगी।
और इसको फिर कवर कर देंगे। अगर आपको लगे कि चिकन हमारा अभी गला नहीं है तो इसमें दो तीन ड्रॉप पानी के डाल देंगे ताकि स्टीम में आकर थोड़ा सा पक जाए। एक दो टेबलस्पून मैंने पानी के डाले, अब इसको दोबारा कवर कर देंगे। चिकन हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। हल्की आंच पे अपने पकाना है, तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से चिकन हमारा कच्चा रह जाएगा। पिरी पिरी चिकन हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसको आप बॉयल्ड राइस के साथ या फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मैंने बॉयल्ड राइस किए हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।